नमस्ते, मैं आकाशदीप सिंह, एबीपी जिला संयोजक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जम्मू कश्मीर। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस बार जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57th स्टेट कॉन्फ्रेंस कटरा में होना तय हुआ है, ये अधिवेशन श्री माता वैष्णो देवी के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में होना तय हुआ है। आगामी 4-5 मार्च को यह अधिवेशन रहेगा। इसमें हमारे पूरी हमारी प्रांत से लगभग 200 से अधिक प्रतिनिधि आ रहे हैं। इसमें हमारे छात्र छात्राएं एवं जो हमारे प्राध्यापक कार्यकर्ता हैं उस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे हैं। और इस बार इस अधिवेशन में हम अपने आगामी वर्ष की एवं राष्ट्रीय और सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे जो कि एबीवीपी की पूरे इस बार एनुअल क्या पूरी स्टेट भर में डिमांड्स रहेंगी। और हमारे जो जिला रैसी के कार्यकर्ता जो कि इस व्यवस्था में लगे हैं, उनको अपने आप में बहुत ही उत्सुक है ये अधिवेशन करवाने के लिए, क्योंकि हमारे जिला में ये हमें पहली बार इतना बड़ा जो एक स्टेट लेवल का फंक्शन है वो करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम ये कोई भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यक्रम होता है वो समाज के सहयोग से होता है, और हमने समाज से सहयोग लेना शुरू भी कर दिया है। इसके लिए हमें समाज भर चढ़ कर सहयोग भी कर रहा है। और हम अपने रियासी वासियों से यही अपील करेंगे कि अगर कोई आपके पास भी विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता सहयोग लेने आता है तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, ताकि जो एक सामाजिक संगठन है जो उसका एक यज्ञ रूपी अधिवेशन हो रहा है उसमें आप हमारे रियासी के समाज की भी आहुति पड़े और हम एक ऐसा अधिवेशन अपने जिला में करें जो कि एक पूरे प्रांत भर में मिसाल कायम करें कि जिला रियासी में एक ऐसा अधिवेशन हुआ जो कि सराहनीय है।